दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एमएस टकाटक ऐप में आप अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, या कहें एमएस टकाटक ऐप में अपना अकाउंट कैसे बनाएं बिल्कुल इजीली तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एकदम नया वीडियो है, 2021 का जनवरी का वीडियो है। दोस्तों चलिए हम बताते हैं किस तरीके से आप बना सकते हैं इसमें आईडी अपनी। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपने फाइनली डाउनलोड कर लिया होगा वो आपको एमएक्स टकाटक, जैसे कि प्ले स्टोर से मैंने बता ही दिया है। दोस्तों इस तरीके से डाउनलोड करने का आपके फोन में इस तरीके से शो होगा आपका, तो यहाँ पे आपको इस तरह ओपन कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया तो इस तरीके से दोस्तों कुछ फोन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो फोन नंबर पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से नंबर आ जाते हैं हमारे। तो आपको अगर पहली बार बना रहे हो तो नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला नंबर हम अपना डाल देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर आपको डाल देना है, नेक्स्ट पे आपको इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये देखो इस तरीके से सेंड का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देनी होगी। तो चलिए ओटीपी आने तक का यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली ओटीपी आ चुकी है, कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके से ये वेरीफाइड हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से ये देखो नॉट ना होगा, ओके होगा तो ओके पे क्लिक करके इस तरीके से ये देखो अलाउ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट दोस्तों बनने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आईडी है, जब आपका नाम यहाँ पे डला हुआ है और यूजर आईडी आपकी ये देखो आ गई, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे इस तरीके से नाम भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑफिशियल विमलेश यहाँ पे लिख दिया है, वो सेव पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से टैप करेंगे तो गैलरी में जाएगा सीधा, और गैलरी से आप फोटो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने गैलरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई ना कोई एक फ़ोटो हम लगा देते हैं। जैसा कि दोस्तों इस तरीके से हमने एक फ़ोटो ले लिया, जैसे कि यही फ़ोटो हमने ले लिया, तो इस तरीके से फ़ोटो को एडजस्टमेंट किया, ओके कर दिया, तो इस तरीके से फ़ोटो भी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी वगैरह और यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेल और बर्थडे वगैरह, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे किस राज्य के हो आप, वो राज्य भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको आप अपना बायो भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने क्लिक किया तो आप अपना बायो भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यूट्यूब लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से यूट्यूब लिख दिया, इस तरीके से यूट्यूबर भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूबर लिख दिया, इस तरीके से सेव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से ये देखो प्रोफाइल आपकी बनके तैयार हो गई, आपकी आईडी भी इस तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे और भी कुछ जानना चाहते हैं, यानी मैंने आईडी बनाना आपको बता ही दिया है, और कुछ जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। एमएक्स टकाटक की मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में नहीं दे पाया, लेकिन अगली वीडियो आप कहें तो ज़रूर बना दूंगा। तो मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।